हम लोग लगभग 7 दिन से ट्रैवल कर रहे हैं ठंड में बर्फ में, और आज का जो टेम्परेचर है वो अनबियरेबल है। बहुत ही खतरनाक रास्ते से जा रहे हैं भाई। ये भाई पूरी बर्फ जमी हुई है यहाँ पे भी। तो गुड मॉर्निंग फ्रॉम पहलगाम। आज पहलगाम में हमारा डे 2 है और ट्रिप का 7 डे है। तारीख है आज 31 दिसंबर 2022, और आज हम जा रहे हैं बेताब वैली और चंदनवाड़ी और अरू वैली अगर खुली हुई तो। और जिस कार में हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं देखो उसके शीशे पे भी बर्फ लगी है, ये विंडो पे भी। तो अभी हम आए हैं बेताब वैली सबसे पहले जहाँ आए हैं, और देखने में तो लग रहा है धूप बहुत है लेकिन ठंड भी बहुत ज्यादा है, मतलब हाथ भी जम गए हैं पूरे, लेकिन घूमना तो है ही। तो भाई मेरा ये एरिया मतलब बोलने में भी फंबल हो रहा है, और कान वान में टोपी पहनता नहीं हूँ फिर भी ठंडे पड़ गए हैं पूरे। हम लोग लगभग 7 दिन से ट्रैवल कर रहे हैं ठंड में बर्फ में, और आज का जो टेम्परेचर है वो अनबियरेबल है। मुझे नहीं पता टेम्परेचर हो कितना रहा है लेकिन -6-7 तो होगा। हाँ इतना होगा, मेरे बाल जम गए। मैं कभी भी कैप पहनता ही नहीं हूँ, पर आज नौबत आ गई है कि मैंने पहन लिया, बाल जम गए सच में। नाक से नोजी निकल रही है वो भी जम जा रही है। अरे भाई तो भाई तैयार होके आना बेताब वैली कोई ठंड में आए तो, फुल रेडी होके आना, मेंटली प्रिपेयर होके आना, पूरा कुछ हो सकता है ठंड में। यहाँ रिवर है या लेक है, रिवर का व्यू है यहाँ से, ऐसा व्यू है यहाँ। ये लोग भाई लोग अपने फोटो खिंचवा रहे हैं। तो अराउंड 11 बज चुके हैं और धूप आ गई है थोड़ी सी, और रिलीफ मिल रहा है काफी। अब वो जो जम रहा था सब कुछ खुल गया है, बाल भी सही हो गए हैं पहले से। I am here in the middle of nowhere, there is no there, it is cold there, but I am safe and I am warm. Although it's hard, I know I gotta keep up, no time to lay here to drift away. I fill my space, I spend my time. और जिस चीज का डर था वही हो गया, जूतों में बर्फ चली गई है। तो एक चीज का ध्यान रखना, सारे शूज जो हैं वो आप लॉन्ग वाले ही पहन के आना, और जो ट्रैकिंग वाले शूज लाना भूल जाए या जिसके पास नहीं है वो यहाँ से बूट रेंट कर सकता है, 100 से 200 रुपए लगेंगे पर डे के हिसाब से, लेकिन करना जरूर नहीं तो बहुत दिक्कत आएगी, ठंड वगैरह और लग जाएगी बेमतलब में। तो ये रहा ट्री हाउस, इसमें जाएंगे अब। अभी हम एक ट्री हाउस में आ गए हैं। तो बेताब वैली हमने अच्छे से घूम ली है, जो जो करना था सब कुछ कर लिया है, और बाकी भैया कह रहे कुछ और खुला नहीं है तो फिर यहीं से हमें वापस जाना होगा। तो बेताब वैली एंटर करने के लिए आपको टिकट खरीदनी पड़ेगी, जिस टिकट का प्राइस है 100 रुपीज़ पर पर्सन, और ये आज की डेट में है 31 दिसंबर 2022, बाकी चेंज होगी तो पता नहीं। बेताब वैली हम सिर्फ जा पाए, चंदनवाड़ी
और वो अरू वैली बंद थी आज, तो भैया ने टैक्सी स्टैंड से बेताब वैली तक के लिए है 900 रुपए। तो पहलगाम में हमने फिर से घोड़ा राइड ले ली है, घोड़ा राइड के लिए अब हम रेडी हैं और भैया ले जाएंगे अच्छी अच्छी जगह और देखते हैं रास्ते में क्या क्या बनता है। भाई घोड़े पे बहुत ही आज तो पता नहीं ज्यादा ही फट रही है, पिछली बार तो स्नो थी कि अगर गिरते भी तो स्नो पे गिरते हैं, आज तो भाई गिरेंगे तो यहीं गिरेंगे डायरेक्ट, और पिछली बार मैं गिर चुका हूँ। यहाँ पर घोड़ा जाम हो गया है, ट्रैफिक लगा हुआ है काफी आगे तक, लोग वेट कर रहे हैं हम भी कर रहे हैं। खुल गया जाम खुल गया भाई, चलो भाई चलो घोड़ा भाई। भाई अभी ऊपर बर्फ में आ चुके हैं और थोड़ा सा मुझे रिलीफ मिल रहा है बर्फ में आके, सफर खतरनाक है मंजिल से भी। बहुत ही स्टीप चढ़ाई आ चुकी है, वो देख रहे हो कैसे जा रहे हैं सीधा, बहुत ही खतरनाक रास्ते से जा रहे हैं भाई। भाई ये घोड़ा बहुत ही समझदार है, अपने आप रास्ते सॉर्ट आउट करके जा रहे हैं जहाँ इसको सही लग रहा है, और एकदम सही रास्ते पे ही जा रहे हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम अब तक तो हर बार मुझे लगता है पॉइंट आ गया हमारा, क्योंकि सारे घोड़े यहीं खड़े हैं और फाइनली पहुँच ही गए हैं हम उस जगह। तो इतने खतरनाक रास्ते से आने के बाद हम इतने खतरनाक रास्ते को तय करने के बाद, हॉर्स राइडिंग करने के बाद हम आ चुके हैं जिसको कहते हैं मिनी स्विट्जरलैंड, और पहलगाम में है ये। तो ये है मिनी स्विट्जरलैंड अपना पीछे से, एक बार आपको अच्छे से दिखा देता हूँ मैं। दूध पतरी जाओ आप लोग अगर आपको पीस चाहिए, शांति चाहिए और बिना कोई भीड़ भड़का चाहिए। तो यहाँ पर ये दुकानें भी हैं जहाँ पर आपको मैगी चाय ये सब मिलेगा, ब्रेकफास्ट स्नैक्स सब कुछ मिलेगा। बस यहाँ पर कुछ ज्यादा कुछ तो मुझे नहीं लगा देखने के लिए, ये है व्यू, ये है स्टॉल्स, लेकिन ये भीड़ बहुत है और बस फिर अब चलते ही हैं, और कुछ तो बचा नहीं है। और मिनी स्विट्जरलैंड में आने की जो टिकट है वो है 30 रुपीज़ पर पर्सन, 30 रुपए दोगे आप तो आपकी एंट्री हो जाएगी, यहाँ पर कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। स्निकर्स की वाट लग चुकी है पूरी। तो भाई तो गाइस हम नीचे लगभग उतर चुके हैं, तो घोड़ा राइड कम्प्लीट हो चुकी है अपनी और काफी खतरनाक काफी मजेदार, मतलब एडवेंचर तो था, मैं याद रखूंगा ये, कभी भूलूंगा नहीं ऐसा एडवेंचर है ये। आज से अपना सामान उठाएंगे अपने होटल से और फिर गाड़ी में जाएंगे श्रीनगर, और 31 की रात बिताएंगे एक हाउस बोट के अंदर जो कि मन था सबका, तो वही कर रहे हैं। आप नहीं चाहते कि आपके स्निकर्स का हाल कुछ ऐसा हो तो बूट्स ज़रूर रेंट कर लेना, बूट्स मस्ट हैं ऐसी कीचड़ वाली जगह पे, या तो आपके पास लॉन्ग ट्रैकिंग शूज़ हो ऑलरेडी, नहीं तो बूट्स रेंट कर ही लेना, मेरे हिसाब से 100-200 रुपये लगते हैं लेकिन कन्वीनियंस हो जाता है, काफ़ी सही रहता है। श्रीनगर हम जस्ट अभी अभी पहुंचे हैं, शिकारे में बैठ गए हैं, अब अपनी हाउस बोट में जा रहे हैं 31 की नाइट मनाने। क्या मैं बोल लूं कुछ? वो देखो तेरी शक्ल ऐसी दिख रही नहीं है, दिख रही है? है मुझसे कोई स्मार्ट बताओ, खुद नहीं तुम खुद दे शक्ल देख रहा है वीडियो में। आज हमारे साल का लास्ट दिन था और आज काफी एडवेंचरस भरा दिन रहा, एडवेंचर से भरा दिन रहा। पहले हम गए बेताब वैली पहलगाम में, फिर वहां से वापस आए, फिर गए हॉर्स राइडिंग, मतलब बहुत ही खतरनाक रस्तों से हमारे घोड़े गए बीच में, उतरे उतरे भाई साहब मतलब वाट ही लग गई। अब हम हाउस बोट में आए श्रीनगर, मतलब सबसे ज्यादा ट्रैवल आज ही किया है मुझे लगता है हमने, कि पहलगाम से श्रीनगर भी है, पहलगाम के अंदर भी इतना घूमे और अब हाउस बोट में भी जा रहे हैं। तो अराउंड 3 एक्टिविटी हम करी है, साल का आखिरी दिन है, सबको हैप्पी न्यू ईयर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो हमारा न्यू ईयर डिनर जो हो रहा है वो हाउस बोट में हो रहा है, खाम खा रहे हैं चिकन चपाती और थोड़े से चावल, और ये है हाउस बोट का नजारा। चीयर्स टू द 2022, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर सबको।